सो गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। सो गाइस आज मैं आपको तीन से चार मिस्टेक्स बताऊंगा चेस्ट को लेकर, जो अक्सर जिम में बहुत लोग करते हैं, और तीन से चार मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको लगानी है अपने चेस्ट को डेवलप करने के लिए। मैं पर्सनली लगाता हूँ और मैं आपको बताना चाहता था ये चेस्ट का वर्कआउट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी चेस्ट बिगर हो, अच्छी तरह से डेवलप हो। सो उसके लिए मैं आज आपको एक वर्कआउट बताऊंगा और तीन चार मिस्टेक्स बताऊंगा कि पहले लोग क्या गलती करते हैं चेस्ट वाले दिन। और बड़ी अच्छी गलतियां गाइस, छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये अक्सर कर रहे होते हैं। अगर आप अभी भी ये गलतियां कर रहे हो तो इसे इमीडिएटली स्टॉप कर देना। सो गाइस हमारी फर्स्ट मिस्टेक है कि बहुत लोग मैंने देखा है कि अपर चेस्ट को इग्नोर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी अपर चेस्ट अच्छी तरह से बिल्ड होगी ना, तो आपके चेस्ट में एक फुलनेस दिखेगी, पता लगेगा कि आपकी चेस्ट अच्छे खासे तरीके से डेवलप है। तो ये मिस्टेक्स लोग करते हैं कि अपर चेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। उसे यही गलती हुई थी कि मैं काफ़ी टाइम से अपना मिडल और लोअर के ऊपर ही फोकस करता था, तो मैंने जब नोटिस करा टी शर्ट उतार के कि मेरे अपर चेस्ट में बहुत बड़ा गैप आ चुका था, कि ये चीज़ काफ़ी बड़ी हो गई थी और ये थोड़ी कम थी, मतलब उतने इस मुकाबले में ये नहीं थी, तो अपर चेस्ट के ऊपर फिर मैंने फोकस करना शुरू कर दिया। सो ये अगर आप एक मिस्टेक्स कर रहे हो तो इसे अभी इमीडिएटली स्टॉप कर दो और अपने वर्कआउट जो आप चेस्ट का लगा रहे हो उसमें अपर चेस्ट की एक्सरसाइज डालो। सो मूव करते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। दूसरी जो मिस्टेक होती है गाइस, ये एक शायद नेशनल डे बना रखा है कि मंडे को ही चेस्ट ट्रेंड करनी है। पता नहीं भाई, मैं तो नहीं करता मंडे को चेस्ट ट्रेंड, मैं देखता हूँ किसी को भी आते हैं मंडे को चेस्ट ट्रेंड। ये भी एक गलती करते हैं कि नेशनल डे है मंडे को ही चेस्ट ट्रेंड करनी है। और तो और ये गलती तो करते ही करते हैं कि मंडे को ही चेस्ट ट्रेंड करनी है। दूसरी गलती ये करते हैं कि जिस दिन चेस्ट लगानी है उस दिन बहुत सारी एक्सरसाइज को लगा लेना है, पता नहीं कितनी कितनी तरह की एक्सरसाइज, नई नई एक्सरसाइज लगाते हैं। सो ये भी है कि टू मच ट्रेनिंग नहीं करनी है, कोशिश करो कि हफ्ते में दो बारी चेस्ट को ट्रेंड कर पाओ। और आपको एक जिस दिन आप ट्रेंड कर रहे हो आपको उस दिन ज़्यादा भी ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लोग दो दो तीन तीन घंटे चेस्ट के ऊपर ट्रेंड करते रहते हैं, मतलब जिस दिन उनका चेस्ट डे होता है, नेशनल चेस्ट डे मंडे को होता है, सो उस दिन वो बहुत सारी एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, पता नहीं क्या ही कितने कितने तरह की एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सो ये भी एक मिस्टेक है कि बहुत सारी एक्सरसाइज लगाना छोड़ दो और कोशिश करो कि हफ्ते में चेस्ट को दो बारी ट्रेंड कर पाओ। दो बारी ट्रेंड ऐसे कर पाओ कि या मतलब जो आप जिस दिन आपने चेस्ट लगाई है उसके दो से तीन दिन बाद कोशिश करो कि आप दोबारा चेस्ट ट्रेंड कर पाओ। तो ये थी मेरी सेकंड मिस्टेक कि टू मच ट्रेनिंग करना जिस दिन आपका चेस्ट डे होता है। और सोल्यूशन इसका ये है कि कोशिश करो कि दो बारी ट्रेंड कर पाओ, और मंडे को जरूरी नहीं लिखा हुआ कहीं पर कि मंडे को ही चेस्ट ट्रेंड करनी है, वो आप अपना शेड्यूल बनाओ कि मेरे को किस दिन बेस्ट रहती है चेस्ट ट्रेंड करना, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं गाइस। सो मूव करते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक की तरफ। सो गाइस थर्ड मिस्टेक है कि फ्लाइज को इग्नोर करना, जो डंबल्स फ्लाइज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, उनको जरूर लगाओ अपने वर्कआउट में। डिफरेंट एंगल, तीनों एंगल से ट्रेंड करके देखो फ्लाइज से, देखना चेस्ट में अलग ही चीज़ दिखेगी आपको। सो ये भी एक मिस्टेक लोग करते हैं कि फ्लाइज के ऊपर ट्रेंड, फ्लाइज के ऊपर फोकस नहीं करते। इसमें मेरा मेन मकसद ये है कि वो बहुत सारी बेंच प्रेस में ही फोकस देते रहते हैं, डंबल प्रेस, बेंच प्रेस, डिफरेंट एंगल से, चाहे केबल पे लगाओ चाहे पैक फ्लाई लगाओ, पर डिफरेंट एंगल से फ्लाइज लगाओ, डिक्लाइन, इंक्लाइन, अपर इंक्लाइन, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, देखना एक चेस्ट में अलग ही चेंज दिखेगा। सो ये तीन बड़े बड़े पॉइंट्स थे मैंने जो बताया कि अपर चेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, दूसरे जिस दिन उनका चेस्ट डे होता है नेशनल डे उस दिन बहुत सारी एक्सरसाइज लगानी, और तीसरी मिस्टेक्स है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फ्लाइज नहीं लगाना, मतलब कि बेंच प्रेस के ऊपर ही फोकस देना, डंबल प्रेस, बेंच प्रेस, तीन मिस्टेक्स हैं। सो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो इसे इमीडिएटली स्टॉप कर दो। सो अब हम मूव करते हैं वर्कआउट की तरफ। सो मैं तीन आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में लगा सकते हो, बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज है तीनों। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ जाती है गाइस स्मिथ प्रेस पे। ये स्मिथ प्रेस पे आपने लगानी है, इंक्लाइन रखना एंगल को अपर चेस्ट के लिए, और स्मिथ में वेट कंट्रोल में लेना, ये नहीं है कि आपको स्मिथ में लगानी है, अब तो आप वेट चक चक के पता नहीं बेंच प्रेस से लगा, मतलब क्या ही रिकॉर्ड बना रहे होते हैं यार लोग, ये भाई इतना मार दिया मैंने, 50 किलो, मैंने 80, मैंने 150, 200, क्या रिकॉर्ड बना रहे हो, वेट लिफ्टर हो भाई, बॉडी बनानी है तो सही से बनाओ ना भाई, पर थोड़ा स्लो लगाओ, ईजी लगाओ, वेट को समझो, कहाँ टेंस जा रहा है कहाँ टेंस नहीं जा रहा है।
सो ये एक पहली एक्सरसाइज है मेरी, इंक्लाइन स्मिथ प्रेस, एंगल देख लेना 45 डिग्री पे रखना अपने टेबल को और इसके चार सेट लगाना और 12 से 15 रैप निकालना स्मिथ। अब एक चीज देखना गाइस, स्मिथ प्रेस जो मशीन होती है और जो हमारा रेगुलर इंक्लाइन का बेंच होता है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि पहले मैं उस पर लगाता था पर जब से मैं इस पर शिफ्ट हुआ ना, क्योंकि एक तो ये इसमें बार जो है अटैच रहती है, तो जो आपका मसल टेंस रहता है ना वो सिर्फ मसल अपर पर ही रहेगा, मतलब आप खुद लगाकर देखना, मैं क्या बताऊँ उसमें, पर आप लगाकर देखना आपको अलग ही चेंज दिखेगा चेस्ट में, एकदम मतलब ब्लास्ट होने वाली होगी, दर्द होगी आपकी दो तीन दिन तो अपर चेस्ट। सो ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज है कि इंक्लाइन स्मिथ प्रेस पे लगाओ। दूसरी एक्सरसाइज है गाइस, ये गाइस एक्सरसाइज बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इवन कहीं तो लगा ही नहीं पाते, चेस्ट डिप्स। ये मैं भी नहीं लगा पाता था, पर इसको आप जरूर अपने वर्कआउट में लगाओ, चाहे तो एंड में रख लो चाहे स्टार्टिंग में लगा लो, पर लगाओ जरूर, चाहे 2 से 3 रैप निकालो, पर इसे जरूर अपने चेस्ट में रखो, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी साइड चेस्ट के लिए, क्योंकि साइड से कहीं की शेप नहीं आ पाती। सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी साइड चेस्ट के लिए, सो इसको जरूर रखो अपने वर्कआउट में, साइड मतलब चेस्ट डिप्स को। इसके भी आपने 12 रैप निकालने हैं और 4 सेट निकालने हैं, पर एक चीज ध्यान रखना, इसको या तो आप एंड में रखना या स्टार्टिंग में रखना वर्कआउट के बीच में, अगर तो आप लगा सकते हो तो लगा लेना, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम लगाओगे तो या तो स्टार्टिंग में लगाना या एंड में लगाना। सो मूव करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ गाइस, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, फ्लाइज लगाना केबल क्रॉस ओवर पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, पहले अप रखना फिर नीचे आना फिर नीचे आना, और हाथ की मूवमेंट को भी देखना कि अप मिड फिर डाउन। सो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, आप लगा सकते हो अपने वर्कआउट शेड्यूल में। सो केबल लगाने से फाइबर्स डेवलप होंगे, अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह से स्क्वीज करोगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लगाओगे अगर फ्लाइज को, तो चेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, और अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, डाइट ऑन पॉइंट है, तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता रिजल्ट को। तो तीन मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हैं तीनों, और तीन मिस्टेक्स बहुत ही समझने वाली मिस्टेक्स हैं, इनके ऊपर ध्यान देना। सो वीडियो को ज़्यादा बोर नहीं करता गाइस, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा तो गाइस फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हम्बल एंड बी बेस्ट।